नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैठकर वजू किया था, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। तो इस जगह को कवर्ड कर दिया गया ताकि कोई इंसान यहाँ पर बैठ नहीं सके। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय भारत की सबसे ऊंची मीनार में, जिसका नाम है जामा मस्जिद और बहुत ही शानदार व्यू है। कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है और मैं आया हूँ आज भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जी हाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में, जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, साथ ही साथ मैं वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर शाहजहाँ ने जब इस मस्जिद को बनाया था तो वहाँ पर उन्होंने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ उन्होंने वजू किया था, हालांकि उस जगह को जो है अब ब्लॉक कर दिया गया, तो वो जगह दिखाने वाला हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गेट नंबर 2 है, बट मैं गेट नंबर 1 से एंट्री करूँगा, तो चलिए मैं आपको विजिट कराता हूँ। तो दोस्तों ये है गेट नंबर 1 जहां से हम जामा मस्जिद में जाने वाले हैं। जामा मस्जिद में जाने के लिए जब आप गेट पर पहुंचेंगे, इससे पहले आपको 35 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना काफ़ी ऊंची पर बनी हुई है, लेकिन मस्जिद बहुत खूबसूरत है। जब आप 35 सीढ़ी चढ़ते हो तब गेट नंबर 1 आता है। इससे पहले मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, ये बोर्ड लगा रखा है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है जामा मस्जिद में टिकटॉक बनाना सख्त मना है, क्योंकि टिकटॉक की जो फौज है ना इसने हर जगह रेड मार रखी है। खैर जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर टोपी बेचने वाले मिलेंगे, यहाँ पर जो है आप अपनी चप्पल या शू जो पहन रखा है आप दे सकते हैं, ये कहीं ना कहीं खिदमत कर रहे हैं। यहाँ इसका कोई चार्ज नहीं लेते, आपका मन में आए तो आप 10-5 रुपये जो देना चाहें आप दे सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मस्जिद देखने के लिए। अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, और एक्चुअली में इस मस्जिद के 3 गेट हैं। पहला गेट तो आपने देख ही लिया, 2 गेटों में और दिखाऊंगा, बट इससे पहले आप अंदर का व्यू देखिए। वाओ कितना खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से यकीन मानिए इसके अंदर 25,000 लोग जो है नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जो है मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये जो हम आए थे ये गेट नंबर 1 से आए थे, इसके 3 गेट हैं। आप इसके अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए। और इसलिए ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बोली जाती है जामा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ ने कराया था, और 6 से लेकर 8 साल लगे थे इस मस्जिद का निर्माण कराने के लिए। 25,000 लोग जो है यहाँ पर गैदरिंग हो सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने चप्पल उतारे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर लग रहा है, बट बहुत ही अंदर यहाँ का शानदार व्यू है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जस्ट सामने जो देख रहे हैं ये गेट नंबर 2 है, और जो उस साइड देख रहे हैं वो गेट नंबर 3 है, यानी कुल मिलाकर 3 गेट हैं मस्जिद के अंदर। ये जामा मस्जिद का ये फ्रंट आ गया, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। जैसे आप आगे चलेंगे तो ये वजू है यहाँ पर, यानी वजू, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा जो गैर मुस्लिम हैं, जब आप नमाज करते पढ़ते हैं या प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको हाथ पैर धोने होते हैं, तो उसके लिए साफ पानी होता है। तो यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो हाथ पैर धोते हैं, जो लोग गर्मी में भी आते हैं तो वो भी अपना हाथ पैर धोते हैं। अगर मैं मेहराब की बात करूँ तो यहाँ पर 11 मेहराब हैं। ये जो आप सामने एक तरह से बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये मेहराब बोला जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं विजिट कर सकते हैं, और यहाँ कोई भी आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुख्य मेहराब है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मुख्य मेहराब है। अगर इसके ऊपर मैं गुम्बद की बात करूँ तो आप देखेंगे इसमें वाइट पत्थर संगमरमर का यूज़ किया गया है, ब्लैक का, जो कि हमें निज़ामुद्दीन की याद दिलाता है। तो ये कुल मिलाकर 11 मेहराब है। अगर मैं मीनार की बात करूँ तो ये मीनार है, आप मीनार में भी जा सकते हैं, बट इसका टिकट होता है, यानी इस मस्जिद का जहां मैं खड़ा हूं यहां कोई भी टिकट नहीं है, आप यहां फ्री आ सकते हैं। और इसलिए ही से इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बोली जाती है, क्योंकि जो मैं गूगल के हिसाब से बात करूं तो 25,000 लोग जो है यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं जो जाने वाला हूँ, मैं उस सामने आप जो देख रहे हैं मीनार, वहाँ जाने वाला हूँ जिसका टिकट होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वहाँ से जो मैं आपको पूरा दिल्ली का और चांदनी चौक का व्यू दिखाऊंगा ना, वो एकदम अमेजिंग होगा। दोस्तों मेरे पीछे आप एक कवर्ड जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये वजू होता है, वहाँ पर एक कवर्ड जगह है। तो आप सोच रहे हैं कवर्ड जगह क्यों है, एक्चुअल में जो शाहजहाँ हैं जिन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराया था, उन्होंने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैठ कर वजू किया था, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। तो इस जगह को कवर्ड कर दिया गया ताकि कोई इंसान यहाँ पर बैठ नहीं सके, यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा कहना है। तो आप ये जगह देख सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ कवर्ड है, और मैंने पीछे का थ्रोन तो आपको दिखाया था, जहाँ पर यहाँ जाड़ों में नमाज बाहर होती है, तो वहाँ पर खुतबा होता है,
और जस्ट इसी के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक थ्रोन और है जो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे पहले उस समय लाउड स्पीकर तो हुआ नहीं करते थे, तो जैसे जब यहाँ पर नमाज हुआ करती थी तो यहाँ पर पीछे जैसे अभी आप देख रहे होंगे प्रजा के टाइम में जो नमाज होती है, तो जब लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं कि पीछे एक इंसान खड़ा होता है और वो सेम जो है पीछे आवाज़ जो है उसको दोबारा रिपीट करता है। तो मैं यहाँ से अगर आपको आगे का व्यू दिखाऊँ तो आप ये थ्रोन देख रहे हैं ना, यहाँ एक्चुअली में खुतबा होता है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, तो जैसे जाड़े होते हैं तो जाड़ों में नमाज जो है यहाँ अदा की जाती है, इस ग्राउंड में अदा की जाती है, क्योंकि धूप चाहिए इसके लिए यहाँ पर जो है खुतबा होता है। और जब मैं गर्मी की बात करूँ तो गर्मी में तो जाहिर है मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पर जो है एक बाउंडेशन लगी हुई है कि ये जो आप फीता देख रहे हैं ना उससे अंदर जो है केवल नमाज वाले लोग जा सकते हैं और बाहर यहाँ जो विजिटर है वो ही रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको दिखाना की कोशिश करूँगा, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि वजू वाला सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर एक तरह से बाउंडेशन लगी गई है, यहाँ तक जा सकते हैं। अंदर आप देख रहे होगे तो लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो बाहर का व्यू आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों। अंदर से ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अगर मैं इस मस्जिद की लागत की बात बताऊँ तो ये जो मस्जिद है 1648 ईस्वी में बनी थी, शाहजहाँ ने बनवाई थी, इसमें उस समय 10 लाख रुपए का खर्च आया था 1600 शताब्दी में। उसके बाद अगर आपको पता होगा जो हैदराबाद के मीर उस्मानी साहब थे, उन्होंने उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि इस मस्जिद के लिए आप जो है 75,000 रुपये का दान दें क्योंकि यहाँ पर काम होना है। तो उन्होंने 75,000 नहीं बल्कि 3 लाख रुपये जो है इस मस्जिद के लिए दिए थे और यहाँ पर 3 लाख रुपये लगे थे, यानी ये उस समय की लागत थी। अगर मैं इस मस्जिद की ओवरऑल आपको बताऊँ कंडीशन, तो ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, संगमरमर का यूज़ किया गया है, मेहराब बहुत अच्छा है। और अगर मैं प्रेजेंट की कंडीशन बताऊँ तो प्रेजेंट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, चाहे वो पानी की अच्छी रही हो या हॉस्पिटैलिटी की अच्छी रही हो या जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, सारे वर्ग चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे ही वर्ग के यहाँ लोग आते हैं। और स्पेस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कोई इंसान आता है तो उसे बैठने के लिए स्पेस चाहिए, वो है, पानी चाहिए, पानी है। आप पीछे देखो, आप ये वजू है, तो जो वजू खाना जहाँ पर लोग वजू कर रहे हैं, तो अलग ही एक आनंद आता है जब बंदा यहाँ पर हाथ पैर धोता है, और कोई भी हो तो बहुत अच्छा फील होता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मीनार के ऊपर, और जहाँ से हम आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे, मस्जिद का साथ साथ चांदनी चौक का व्यू दिखाएंगे। और अगर मैं मीनार की बात करूँ तो सामने आप देख रहे हैं यहाँ से टिकट लेना पड़ता है मीनार का, और देखते हैं टिकट कितने का है, 50 रुपये का लिखा हुआ है। तो हम 2 लोग हैं, अब हम टिकट ले रहे हैं और इसी के बाद हम जो है ऊपर जाएंगे। तो मीनार का जो ऊपर जाने का रास्ता है वो गेट नंबर 1 से है, 50 रुपये का टिकट है हमारा। तो हमने 2 लोग हैं, 2 टिकट लिए हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। भाई ये लो, 2 टिकट है, पर्ची लानी पड़ेगी, आ जा पर्ची ले जा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जाने का रास्ता है, वाओ, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पर, छोटा छोटा जीना है, अच्छा लग रहा है, वाओ, ओफो। तो दोस्तों ये रास्ता है और यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ मीनार जाने वाले हैं, और यहाँ से आप इस मस्जिद का पूरा व्यू देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं हूँ, मेरे साथ ये भाई हैं, इनका नाम है औरंगज़ेब, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ GoPro 9 से कर रहा हूँ, उसका टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप इसकी क्वालिटी बता सकते हैं और इसकी वॉइस क्वालिटी भी बता सकते हैं। तो यहाँ से ये रास्ता जाता है, बट आप यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं और व्यू ले सकते हैं, बट इन्होंने इसको फिलहाल बंद कर दिया है, मतलब यहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो ये इसका रास्ता है, यहाँ से आप मस्जिद का व्यू भी देख सकते हैं अंदर का। देखो इसका एक रास्ता ये है, ये बंद कर दिया है, अब हम जा रहे हैं मीनार पे। वाओ, यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शानदार हवा आ रही है, शायद आपको प्रॉपर आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। ओफो, यहाँ से इसका व्यू देखिए, जामा मस्जिद का व्यू देखिए,
और यहाँ से लाल किला की दीवार देख सकते हैं जो पूरी बेहतरीन दिखाई दे रही है, और लोग इधर भी जो है नमाज अदा कर रहे हैं, ये गुम्बद है। अब हम चलते हैं ऊपर आपको लेकर के, छोटा छोटा जीना है, अंधेरा हो रहा है। ओफो, इतना टाइट जीना तो लोग जो है निकल भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आप एक विंडो देख सकते हैं, अरे भाई पूरा आप पुरानी न्यूज देख बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, मोहम्मद दरवाज। अरे माशाल्लाह, शुक्रिया, बच्चों को भी दिखा दो थोड़ा सा। हाँ, दिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। अभी तो हमें और ऊपर जाना है, यहाँ हमारे दो भाई मिल गए थे जो हमारी वीडियो देखते रहते हैं। ये हमारे दो भाई देख सकते हैं, बड़ी खुशी हुई यार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद जुबैर। ये आज ही व्लॉग आएगा, आज ही देखना आप। मगर साहब ये बड़ा ले लेते नहीं तो नहीं। अभी और ऊपर जाना है क्या? अभी बहुत ऊपर जाना है भाई, इतना छोटा रास्ता है कि सिंगल इंसान ही जा सकता है। मेरी तो सांसें फूलने लगी। ओफो, अब थोड़ी यहाँ रोशनी है, इसका मतलब हम जो है आ चुके हैं। ओ माय गॉड, तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सारे लोग। ओ माय गॉड, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। हवा इतनी शानदार आ रही है, शायद आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी। ये देखिए, अब मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जामा मस्जिद का देख सकते हैं, चांदनी चौक, पूरी दिल्ली आपको ऐसे दिखाई देती है, बहुत ही शानदार तरीके से। क्या बात है। अगर उधर देखेंगे तो आपको लाल किला दिखाई देगा, बहुत ही शानदार। वाह, ये देखो, ये देख सकते हो कितना शानदार व्यू है। तो दोस्तों, इस समय मैं सबसे ऊंची मीनार पर हूं और इतनी शानदार हवा आ रही है। हवा की वजह से हो सकता है कि बोले में थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट बहुत ही शानदार व्यू है। और अगर जहाँ मस्जिद आते हैं आप तो यहां का ज़रूर आनंद लें, 50 रुपये टिकट है। बट जब ऊपर आएँ तो पानी की बोतल लेकर आएँ, बहुत टायर जीना है, बट ऊपर आकर आपकी जो मेहनत है ना वो वसूल जाती है। बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से, पूरा एक्चुअल में दिल्ली मान लीजिए, ऐसा लगता है एक तरह से पूरा इंडिया देख रहे हैं आप। बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। तो अब हम इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, बहुत ही शानदार सफ़र रहा हमारा, आप आ सकते हैं। और अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में जामा मस्जिद को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है, और जब मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया फिर एक बार तो यहाँ आना बनता ही है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।